आज हम बनाएंगे कैप्सिकम और प्याज के पकोड़े। मिर्ची के पकोड़े खाने से अगर आपको एसिडिटी की तकलीफ होती है तो आप ये रेसिपी को जरूर ट्राई कर सकते हैं। ये पकोड़े खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और साथ में हम बनाएंगे एक खट्टी और तीखी चटनी जो ये पकोड़े का स्वाद और बढ़ा देगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को जरूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दो बड़ी साइज के कैप्सिकम लिए हैं, दो बड़ी साइज की प्याज ली है, 3 से 4 हरी मिर्च है और 15 से 20 करी पत्ता लिया है मैंने। सबसे पहले हम कैप्सिकम को पानी से अच्छी तरह से साफ कर लेंगे और फिर उसे कट करेंगे। कैप्सिकम को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। अभी यहाँ पर मैंने जितनी क्वांटिटी ली है उसमें से आप 3 से 4 लोगों के लिए ये पकौड़े बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस तरह से कैप्सिकम को हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। ये पकौड़े बनने में ज्यादा समय नहीं लगता है, बस 10 से 15 मिनट में ही बनकर ये तैयार हो जाते हैं और इसका जो घोल होता है वो भी हमें तुरंत ही तैयार करके फिर पकौड़े फ्राई करने होते हैं, पहले से बनाकर नहीं रखने हैं। कैप्सिकम के अंदर के जो बीज है उसे हम निकाल देंगे। कोई भी मिर्ची होती है उसके अंदर उसके जो बीज होते हैं उसमें ही ज्यादा तीखापन होता है, तो उसे हम अच्छी तरह से पहले निकाल देंगे। कैप्सिकम मैंने कट कर लिए है, अब हम प्याज को भी उसी तरह से कट करेंगे। प्याज का ऊपर वाला जो व्हाइट हिस्सा होता है उसे आप निकाल लें ताकि प्याज एक दूसरे से अच्छी तरह से आपस में खुलकर निकल जाए। अगर आप ये व्हाइट वाला हिस्सा नहीं निकालेंगे तो प्याज अच्छी तरह से आपस में निकलेंगे नहीं, एक दूसरे के साथ स्टिक होके रहेंगे। प्याज को भी हमें उसी तरह से कट कर लेना है। अगर आपके पास हरा प्याज है तो आप वो भी डाल सकते हैं। प्याज भी मैंने कट कर लिए है, अब हरी मिर्च डालेंगे इसके अंदर। हरी मिर्च को हम इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डालेंगे। हरी मिर्च का पेस्ट नहीं डालना है, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डालने से पकौड़े में उसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। आपको जितना तीखा पसंद हो उसके हिसाब से आप हरी मिर्च की क्वांटिटी डालें। इसमें हमें लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल भी नहीं मिलाना है, तो हरी मिर्च आप उस हिसाब से डालें। यहाँ पर मैंने जो हरी मिर्च ली है वो काफी तीखी वाली है। करी पत्ता भी हम इस तरह से हाथों से तोड़कर डालेंगे। करी पत्ता आप जरूर डालें, इससे पकौड़े में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगी। ये दो हरी मिर्च भी इसी तरह से मैं कट कर लेती हूँ। अब एक बड़ा सा बर्तन लेंगे इस तरह का चौड़ा वाला और उसके अंदर प्याज, हरी मिर्च, कैप्सिकम और करी पत्ता डालेंगे। सबसे पहले मसाले में हम डालेंगे नमक। नमक आप स्वाद के हिसाब से डालें। अब 1 चम्मच यहाँ पर मैंने साबुत अजवाइन दी है। अजवाइन को हम हाथों से इस तरह से मसल कर डालेंगे। अजवाइन इस तरह से मसल कर डालने से अजवाइन की बहुत ही बढ़िया खुशबू पकौड़े में आएगी। 1/2 चम्मच से भी थोड़ी ज्यादा इसके अंदर हींग डालेंगे। चुटकी भर डालेंगे हल्दी पाउडर। अब इसके अंदर डालेंगे हम दही। दही थोड़ा सा खट्टा वाला लेंगे और 3 से 4 चम्मच इसके अंदर दही डालेंगे। दही डालने से हमारे जो पकोड़े हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। ये पकोड़ा बनाने के लिए हम कोई भी सोडा या बेकिंग पाउडर नहीं डालने वाले हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले मिक्स होने से प्याज कैप्सिकम में से पानी छूटने लगे और उसी पानी के अंदर हम आटा लगाएंगे यानी कि उसका घोल तैयार करेंगे। यहाँ पर अभी मैंने 1 कप बेसन लिया है। बेसन को पहले मैंने छान लिया था। इस तरह से मिक्स कर लेंगे। जितनी जरूरत होगी उतना ही हम बेसन लगाएंगे, ज्यादा बेसन इसके अंदर हमें नहीं डालना है। अभी मैंने पूरा 1 कप बेसन इसके अंदर डाल दिया है। हमें कैप्सिकम और प्याज को बेसन से कोट करना है, बस उतना ही बेसन इसके अंदर हमें डालना है। ज्यादा बेसन होगा तो पकौड़े में मजा नहीं आएगा। ये पकौड़ा खाते वक्त आपको कैप्सिकम और प्याज का जो क्रंच है वो फील होना चाहिए। इस तरह का बाइंडिंग वाला घोल हमें तैयार करना है। अभी इसके अंदर थोड़ा सा बेसन और जाएगा। अभी मैंने 1/4 कप बेसन लिया है, यानी टोटल मैंने 1 कप और 1/4 कप यानी कि 1/4 कप बेसन इसके अंदर डाला है। ये पकोड़े का घोल जो हम नॉर्मल पकोड़े बनाते हैं उस तरह का लूज कंसिस्टेंसी वाला नहीं होता है। अच्छी तरह से अभी ये मिक्स हो चुका है। अब सबसे लास्ट में डालेंगे हम 1/4 कप के करीब चावल का आटा यानी कि राइस फ्लोर।
जिससे हमारे जो पकौड़े हैं वो बहुत ही कुरकुरे यानी कि क्रिस्पी बनेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप 1/4 कप इसके अंदर सूजी भी डाल सकते हैं बारीक वाली, या फिर 1/4 कप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, जिससे पकौड़े बहुत ही कुरकुरे बनेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसका घोल तैयार कर लेंगे। आपके दही के अंदर अगर ज्यादा मात्रा में पानी है तो आपको एक्स्ट्रा पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास घर में दही नहीं है तो आप गाढ़ी वाली जो छाछ आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर छाछ या दही कुछ भी नहीं है तो आप इसके अंदर खटाई के लिए थोड़ा सा नींबू का रस या फिर आमचूर डालें। अभी हमारा घोल तैयार हो चुका है। ये घोल को बनाकर आपको रखना नहीं है, तुरंत ही इसके अंदर से पकौड़े तैयार करने हैं। अगर आप उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो मसालों में से ज्यादा पानी छूटने लगेगा और फिर आपको बेसन ज्यादा मात्रा में डालना पड़ेगा और फिर पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तेल मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाने पर गैस की फ्लेम को हम मीडियम और हाई के बीच में रखेंगे और पकौड़े फ्राई कर लेंगे। ये पकौड़े क्रिस्पी बनते हैं तो ध्यान रहे कि तेल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। अगर तेल ठंडा होगा तो पकौड़े क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे और उसके अंदर ज्यादा मात्रा में तेल भर जाएगा। ये पकौड़े बनने में ज्यादा समय नहीं लगता है। बेसन को फ्राई होने में 3 से 4 मिनट का ही समय लगेगा। 3 से 4 मिनट के अंदर ही हमारे पकौड़े अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। पकौड़े तेल के अंदर डालने के बाद जब ये एक साइड से थोड़े से फ्राई हो जाए तब उसे हम पलट देंगे। ये पकौड़े गोल नहीं बनते हैं, इसका कोई शेप नहीं होता है, आप रैंडम ही इसे रख सकते हैं। पलट देंगे इस तरह से। अभी हमारे पकौड़े फ्राई हो चुके हैं तो उसे हम निकाल देंगे और एक पेपर के अंदर रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। इसी तरह से हम पकौड़े का दूसरा बैच भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। पकौड़े हमारे जब तक फ्राई होते हैं तब तक हम बनाएंगे एक खट्टी और तीखी चटनी, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए है, 1/2 कप के करीब धनिया है और 1 हरी मिर्च है। अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो आप हरी मिर्च की क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं। टमाटर को हम कट करके डालेंगे, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे ताकि हमारी चटनी बहुत ही आसानी से ग्राइंड हो जाए। अगर टमाटर बड़े रखते हैं तो ग्राइंड करते वक्त आपको थोड़ा सा पानी मिलाना पड़ेगा और फिर चटनी की जो कंसिस्टेंसी है वो पतली हो जाएगी। ये चटनी हमें थोड़ी सी गाढ़ी रखनी है तो इस तरह से हम टमाटर को कट कर लेंगे। ये चटनी को आप कोई भी सब्जी के साथ या फिर और कोई फरसान बना रहे हैं उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इसे बाहर 1 से 2 दिन तक और फ्रीज में 3 से 4 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आप इसे फ्रीजर में जहां पर हम बर्फ जमाते हैं वहां पर रखेंगे तो आप इसे 10 दिन तक भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बड़ी साइज के टमाटर लिए हैं। अगर आपके पास टमाटर छोटी साइज के हैं तो उसकी क्वांटिटी बढ़ा दें। हरी मिर्च को भी हम इस तरह से कट करके डालेंगे। हरा धनिया डाल देंगे और फिर इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच लहसुन की पेस्ट। नमक डाल देंगे स्वाद के हिसाब से। अब बिना पानी डाले ही इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। चटनी अभी हमारी ग्राइंड हो चुकी है, इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी रहेगी। तो अभी तैयार है हमारे गर्मा गर्म कैप्सिकम और प्याज के पकौड़े। जिसे मैंने टमाटर की खट्टी और तीखी चटनी और हरे धनी फुदीने की चटनी के साथ सर्व किया है, और साथ में सर्व की है मैंने लहसुन की ड्राई वाली चटनी। अगर आपको लहसुन की ड्राई चटनी की रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करें। तो फिर से मिलेंगे ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ।